नमस्कार दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज आप देख सकते हैं आपके सामने छोटा सा भजन का प्रोग्राम है जिसको हम लोग इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और हमारे साथ बैठे हैं साउंड ऑपरेटर कार्तिक। और अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, पैड लगा है, कीबोर्ड लगा है और तबला लगा है। और यहाँ पे मिक्सर है प्रो 3 16.3 16 इनपुट मिक्सर स्टूडियो मास्टर की कंपनी की ओर से। और इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है। और आप पहला केबल जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसमें आहूजा की MM5 की छोटा सा एक मिक्सर है जहाँ पे सारे वोकल्स की लगी गई है। आपकी साइड पे आहूजा दिख रही होगी, वहाँ पे सब माइक्रोफोन्स लगे हैं और यहाँ पे जितने सब लगे हैं यहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट के लिए सारा चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। अब देख सकते हैं आपको लेवलिंग कैसे ऑफ करने से जा रहा है। यहाँ पे आहूजा की जो छोटा सा मिक्सर आप देख सकते हैं यहाँ पे MM5 है और इससे सारे वोकल की जो कॉर्डलेस वॉलेस जो भी है यहाँ पे लगा हुआ है, सारे माइक्रोफोन वोकल माइक्रोफोन और इस पर सब इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ से हमने लिया है एक चैनल MM5 को लगाया है, प्रो 3 की एक चैनल पे हमने लगाया है। अब देख सकते हैं एक चैनल को हमने दिया है आहूजा MMX55 का जो आउटपुट है वो हमने इस स्टूडियो मास्टर के एक चैनल पे दे दिया। तो अभी पूरी आउटपुट दोनों मिक्सर एक साथ में लगा हुआ है। वे यहाँ पे आप देख सकते हैं आहूजा की BTZ 7000 का दो मशीन है और एक मशीन नीचे है BTZ 10000 का। तो BTZ 10000 में आपका 1000-2000 वाट लगा है, 7000 में 500-500 का लगा है और 500-500 आगे है और ब्रहार भी 500-500 वाट की दो, मतलब BTZ 7000 में आपका 1000 वाट है, BTZ 7000 और दूसरा 7000 में जो है 700 वाट की जो है उसमें 1000 वाट का लोड दिया गया है। और बाकी नीचे 10000 में आपको लगा है 1000 वाट की। तो एक्चुअली देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि पीछे की साइड पे दो मॉनिटर लगे हैं। तो BTZ जो 7001 है उसमें एक साइड पे हमने 500 वाट का एक बॉक्स लगाया है, दूसरे साइड पे हमने लगाया है 250 वाट का दो बॉक्स जो कि मॉनिटर के लिए पीछे साइड पे है। तो अब देख अभी दिखाएंगे उसको पीछे। अभी यहाँ पे देखिए D3 इक्वलाइजर हमने जैसे माइक्रोफोन के लिए एक माइक्रोफोन ऐसे लगाया है जो कि पूरी MMX555 पे है जो वोकल की जो चीज़ें हैं। और जो तबले के लिए तबला भी आप देख सकते हैं, तबले के लिए जो चीज़ें हमने यूज किया है उसमें हमने SHM जो 1000XLR 98XLR और यहाँ पे देखिए कॉलेस में AWM 490V2 ये कॉलेस माइक्रोफोन है। स्टूडियो मास्टर की ER15 EA के माइक्रोफोन यहाँ पे है, कॉलेस माइक्रोफोन्स। और देखिए मॉनिटर की बात कर रहा था मैं, जो 250 यानी 200 वाट की दो मॉनिटर दोनों साइड पे है 400 वाट जो कि लगा है हमारा BTZ 7000 मतलब 700 वाट की एक जोन पे लगा है और दूसरा जोन पे 500 वाट जो कि बाहर लगा है। और यहाँ पे देखिए 1000-2000 वाट दोनों साइड पे जो मॉनिटर बॉक्स है जो कि लगा है BTZ 10000 पे, एक चैनल पे 1000 दूसरे चैनल पे 1000। तो ये तो 1000 वाट का नहीं है, 900 वाट की अप्रोक्सीमेटली है। तो ये पूरी सेटअप आपके सामने है और आप देख सकते हैं अभी ये पूरी छोटा सा सेटअप है, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, छोटा सा प्रोग्राम है, 3500 का प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिया गया है। बड़े प्रोग्राम अभी नेक्स्ट होने वाला है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड करूँगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और कोई बात है तो ज़रूर हमको कमेंट में से लिखें। नमस्कार, जय हिंद।